अब सगाई में कुछ मेहमान भी होंगे। सबसे मुश्किल टास्क है ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पे सामान को नीचे तक पहुंचाना। ये सारे जो भी बर्तन है ये कल के लिए जा रहे हैं, आज तक मैंने कभी भी इससे फोटो नहीं खींची है। जो भी लोग हम बर्तन लेकर आए सामान लेकर आए हैं उनका खाना इसी वाली जगह पे है। ये देखो भाई कुछ ऐसी मेहंदी लगी है हरदीप की। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज हमारे ऊपर रांचे वाले घर में प्लस्तर का काम स्टार्ट हो रहा है, तो मेरी तैयारी अभी सुबह सुबह ऊपर रांचे वाले घर में जाने की। बाकी सुबह सुबह देखो भाई एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है, प्यारी सी धूप लगी हुई है और सामने की बर्फीली पहाड़ियाँ भी बड़ी सुंदर सी लग रही हैं। अभी माँ भी बोल रही है कि अब पहाड़ सुंदर लगने लग गए हैं। अभी हम लोग रांची गांव के लिए निकल गए हैं, मेरे साथ प्रदीप भी है और साथ में ना ऊपर से आज हमें बहुत सारा सामान भी लेकर आना है। प्रदीप लोगों के घर में कुछ फंक्शन है और आजकल सर्दियों के टाइम पे देखो भाई पूरे पहाड़ों का कलर ही बदल गया, मतलब पहाड़ एकदम रूखे सूखे हो गए हैं। अब जिनके घर भी सड़क से दूर या गाँव से दूर होते हैं उनको सामान ले जाने लाने में बहुत दिक्कत होती है। अब हमारा घर भी ऊपर गाँव से बहुत दूर है तो यहाँ पर भी जब कोई बड़ा फंक्शन होता है तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी चीज़ की होती है कि उतने अरेंजमेंट के लिए सामान लाना और फिर उसके बाद सामान को वापसी पहुंचाना। सामने जो बर्फीले पहाड़ हैं वहां हम लोग जा रखे हैं वो है नंदीकुंड पीक। तो मतलब हम लोग यहां से ट्रैक करके गए थे इस पहाड़ के पीछे, पूरे 10 दिनों का ट्रैक था हमारा। द्वितीय केदार मनमेश्वर धाम से पंचम केदार भगवान कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर तक बहुत ही एडवेंचरस ट्रैक रहा था हमारा वो वाला। अब यहाँ पर देखो भाई खूब सारे पाइप रखे हुए हैं और आज हमें ऊपर शटरिंग के लिए ऐसे पाइपों की ज़रूरत है। गांव में तो अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही तो शायद गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ेगा। तो चलो भाई अभी भैया जा रहे हैं किसी काम से मार्केट। मिस्त्री लोगों ने तो यहाँ कमरे की सफाई भी कर दी थी क्योंकि प्लास्टर अंदर कमरों से ही होना है स्टार्ट। बाकी एक दिक्कत हो गई है, गाँव में जहाँ शटरिंग के पाइप मिलते हैं तो वहाँ से पाइप नहीं मिल रहे हैं अभी क्योंकि बहुत जगह घरों का काम लगा हुआ है गांव में। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं प्लास्टर से पहले जो ये दीवार का काम है ना इसको पूरा करवाया जाए एक बार से, फिर दिन तक पाइप भी पहुँच जाएंगे और साथ ही साथ मिस्त्री लोगों का काम भी नहीं रुकेगा। तो चलिए जी अभी दिन के खाने का टाइम भी हो गया है लेकिन आज हमने यहाँ घर में खाना नहीं बनाया है, पास में एक ताई जी हैं उनके यहाँ पर जाना है, वहाँ पर शादी का खाना रखा है। तो चलो भाई यहाँ पे जो चिनाई का काम था वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, लास्ट बचा हुआ है इस साइड। गाड़ी वाले ने आने में थोड़ा लेट कर दिया है, इस वाली जगह पे भी एक चौखट लगेगी तो देखते हैं भाई कब तक वो पहुँचता है यहाँ पे। और अभी यहाँ नीचे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ऊपर छत में अभी धूप में आने का मन कर रहा है सीधे। बाकी आजकल देखो भाई छत में हमने जो पहले से ही ये पानी की खाल के लिए बना रखे थे तो इनमें फिर से पानी भरना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी यहाँ घर में प्रदीप और हरदीप भी आ गए हैं, बस अब थोड़ी देर में हमें यहाँ गांव से बहुत सारा सामान लेकर जाना है नीचे इनके यहाँ पे। पापा जी लगे हैं यहाँ पर जो ये मोमटी का काम हुआ है अभी तो उस पे तराई करने पे, ये बहुत जरूरी काम है। तीन बजने वाले हैं, गाड़ी वाले ने बहुत लेट कर दिया है सामान लाने में, बस अभी गाड़ी पहुँचने वाली है ऊपर रोड में तो फटाफट सामान लेकर आते हैं भाई। तो चलो भाई गाड़ी भी पहुँच गई है और ये वाली चौखट है जिसको अभी हमें लेकर जाना है। ये वाली चौखट तो लगती है कि हल्की होगी लेकिन बहुत भारी है, 5 मिनट बोला था ना, 5 मिनट तो 5 घंटा पार कर दिया। अब इस वाली चौखट पे जो ऊपर रोशनदान है तो इस पे जो ये पत्तियां है ना ये एकदम सही लगी हैं। पहले वाले पे ना बहुत गड़बड़ कर रखी थी, मैंने प्रॉपर फोटो भी दिखाई थी उनको फिर भी गड़बड़ हो ही गई। पहले वाले पे ना जो ये पत्तियां हैं ये ऐसे में लगा रखी हैं जबकि इन्होंने लगनी थी ऐसे में। खैर कोई बात नहीं, बाद में वेल्डिंग वाला आ जाएगा तो ये चीज़ें भी सही हो जाएंगी, लेकिन बात के लिए काम बढ़ गया। अब अंशु की शादी में मैंने ड्रोन उड़ाया था और तब से वो ड्रोन शॉट मेरे पास पड़े हैं। अब इसकी शादी का एल्बम बनेगा, जो भी वीडियोस बनेंगी तो उसके लिए वो ड्रोन शॉट चाहिए, अब जाकर वो चीज़ें मैं इसको सेंड कर रहा हूँ। स्कूली बच्चों की छुट्टी हो गई, प्रणाम प्रणाम, नाम बोलो अपना अपना। अंश, आयुष, कहाँ मरो तुम? 8 में 6 7 8, ठीक है गुड। तो चलो भाई सबसे पहले हमें यहाँ से ये चेयरें लेकर जानी है और साथ में ये लाइट का सामान। अब सगाई में कुछ मेहमान भी होंगे तो
तो यहाँ से ना हमने 16 चेयरें रखी हैं इस बांस के लंबे से डंडे पे। ले जाने में भी आसानी होगी और लाने में भी आसानी होगी। हमारे तरसाली पिलखोल में जितने भी बड़े कार्य होते हैं तो उसमें हम ऐसे ही गांव से गांव का जो भी जरूरी सामान होता है ऐसे कार्यक्रमों के लिए तो उनको लेकर जाते हैं। रोड तो ये यहाँ नीचे है लेकिन ये पुराना रास्ता है पहले गांव तक जाने का। और धूप भी देखो भाई अभी गांव से चले गई है सामने की तरफ। अब ये सारा जो भी सामान है, कल हरदीप की सगाई है तो इसीलिए हम ये सारा सामान जुटा रहे हैं घर पे। बहुत बहुत बधाई हो भाई अभी से। धन्यवाद। अब सबसे मुश्किल टास्क है ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों पे सामान को नीचे तक पहुंचाना। आराम से चला रहे हैं, आराम से। और नीचे कांडा चरकंडी से हमें कुछ खाना बनाने वाले बड़े बड़े बर्तन भी लेकर जाने हैं। ओए आराम से चलो, चलो आराम से चलो। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि हरदीप छोटा बच्चा है। हरदीप अभी 21 का होने वाला है और फिर ये अभी होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके आया है और फिर से जॉब पे चले जाएगा तो फिर 6 महीने या 1 साल के बाद ही घर आएगा। तो इसीलिए इस बीच इंगेजमेंट कर रहा है और हो सकता है उसके बाद शादी भी कर ले। हैं शादी में अभी टाइम है, कर ले भाई, सगाई कर रहा है तो शादी भी कर ले। हैं अरे नहीं प्रादे एक साथ परेशान हो रहा है। ये यहाँ पर इस वाली जगह पे है हम कांडा चरकंडी और तरसाली वालों का पंचायत भवन और जो भी बड़े बड़े बर्तन रहते हैं वो हमने यहीं पर रखे रहते हैं। बाकी देखो भाई ऊपर ये चरकंडी है रोड के नीचे, ये यहाँ पे कांडा और इसके नीचे लगभग 500 मीटर नीचे हमारा तरसाली वाला घर। बाकी अभी यहाँ पर रखी भी आ गया है तो हमारी ड्यूटी है। अभी के लिए जो बड़ा बड़ा सामान है एक एक घंटी है जिसपे दाल बनेगी, बाकी एक एक चाशनी है छोटी वाली इस पे सूजी बनेगी, बाकी लाइट का सामान और पीछे ये कुछ चेयरें हैं। और देखो भाई गांव हमारा है ठीक ऊपर जो टॉप है ना उसके पीछे। अब आज तो कमी लोगों का खाना वहां पर बनेगा लेकिन ये सारे जो भी बर्तन है ये कल के लिए जा रहे हैं, कल बहुत लोग आएंगे। घर में अभी पहुंच गए हैं, अब यहाँ पर भी क्या ही रुकना है, एक बार इन बर्तनों को नीचे प्रदीप लोगों के यहाँ पर लेकर चलते हैं। बाकी देखो भाई सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और देखो धूप बिल्कुल सामने पहाड़ों की तरफ चली गई। पहुंच गए हैं जी अभी घर में। बाकी यहाँ खेतों में देखो भाई चूल्हे इस वाली जगह पे लगा रखे हैं, घंटी भी फिक्स आ रही है इसमें और जो ये चाशनी लेकर आए हैं तो ये भी फिट आ रही है। बाकी ना बहुत ज़्यादा थकान लग गई है तो यहाँ से एक माल्टा निकाल देते हैं, एकदम देखो पक्कर आजकल लाल से हो रखे हैं। माल्टे तो आजकल पहाड़ों में हर किसी के घर में पके रहते हैं और सभी ने माल्टे के पेड़ लगाए भी रहते हैं। अब अनुज देखो भाई अभी बड़ी सी नारंगी लेकर आ गया है, एकदम बढ़िया सी पकी हुई है और इसका भी यूट्यूब चैनल है अनुज पहाड़ी के नाम से, तो जरूर सब्सक्राइब करें भाई प्यार सपोर्ट बरसाए भाई, क्योंकि वैसे तो वीडियो ऐसी आती है भाई, हमारा मोहल्ला एक ही है तो वीडियो सेम ही आएंगी पर थोड़ा बहुत अलग कंटेंट रहेगा। अब दादी देखो भाई यहाँ पे बड़े बड़े से केले लेकर आ गई है। बाबा यहाँ केले बांटे जा रहे हैं, यहाँ से चाय। शाम के अभी 6 बजने वाले हैं। देखो भाई आज एन मौके पे लाइट ही नहीं है, 1.5-2 घंटे से हम लोग इंतजार कर रहे हैं और साथ में ऊपर गांव से जो पंचायत का जनरेटर है वो भी लेकर नहीं आए क्योंकि आजकल ऐसी लाइट जाती ही नहीं थी। बाकी अभी सारे दोस्त लोग यहाँ किचन में बैठ गए हैं, यहाँ पर मस्त आग जली हुई है। अब आज यहाँ पर जो भी लोग हम बर्तन लेकर आए सामान लेकर आए हैं उनका खाना इसी वाली जगह पे है। ओहो जय हो, लाइट आ गई, बहुत शुभ कदम है मेरे, जैसे मैं किचन में आया सीधे लाइट ही आ गई। खाना बनाने की तैयारी अभी शुरू हो गई है, आज बना रहे हैं हम लोग मटर पनीर। कढ़ाई अभी रख दी है, उसमें तेल भी डाल दिया है, बस अब पनीर को अच्छे से तलते हैं। हेलो ब्रो। हेलो। चलो जी हमारा सेफ पहुंच गया है यहाँ पे। अब आज यहाँ पर 20-25 लोग होंगे खाने वाले। बाकी पनीर बनाने के लिए बड़ा सा पतीला रख दिया है और रितिक की ड्यूटी लगी है पनीर बनाने की। तो चलो भाई आज विकास भी श्रीनगर से घर पहुंच गया है। अब बहुत सारे ब्लॉगर इतने बड़े बड़े कैमरों से भी ब्लॉगिंग करते हैं
देखो भाई, लेकिन अब ना फोन के कैमरे भी बहुत बेटर हो गए हैं, तो ज्यादातर लोग अब फोन से ही ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए तो ऐसे बड़े बड़े कैमरों से ब्लॉग बन सकते हैं। ये है निकॉन Z6 सेकंड, बहुत हैवी है यार। अब इस वाले बैग में कैमरे का और सामान भी आ गया है। ये देखो भाई, पता नहीं क्या क्या चीजें इसमें रखी हुई है। और ये है प्रदीप के दोस्त का। कहाँ से होता है रे? देखो भाई, यहाँ बाहर पेड़ पे एक बड़ी सी लाइट लगाई हुई है। चांद है भाई वो। बस खाना भी बनकर तैयार हो गया है। अब सारे लोग यहाँ बाहर खोले पे बैठेंगे और खाना खाएंगे। उसके बाद मेहंदी का जो फंक्शन है वो स्टार्ट होगा। वैसे कम ही लोग हैं हम आस पड़ोस के यहाँ पे। मेहंदी आहा मेहंदी। अभी हम लोग बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। मस्त यहाँ पर देखो भाई, छोटे भाई लोग बांटने पे लगे हुए हैं। रात के अभी 9:15 हो रहे हैं। बस यहाँ पर मेहंदी लगने की तैयारी शुरू हो गई है। सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। रात के टाइम पे अभी बाहर में ना बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। बाकी मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई है। लड्डू आते हैं पूजा के लिए, तो सभी लोग अभी लड्डू का आनंद ले रहे हैं। लड्डू जरूरी है, मोह मिठाई भाई, लड्डू जरूरी है, मोह मिठाई जरूरी है, खट्टा हो गया भाई। खट्टा तो ऊपर हो गया भाई, ये तो मीठा है। ये नहीं भाई, ये बासी लड्डू लग रहे मेरे को। खट्टे खट्टे हो रहे हैं, खट्टे तो ऊपर है भाई। बाकी हमारा तो क्या ही काम है, यहाँ पे खूब चुटकुले बोल रहे हैं भाई। अब ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है DSLR से फोटो खींचने का। आज तक मैंने कभी भी इससे फोटो नहीं खींची है। ये है प्रदीप के दोस्त का, तो मैं सबकी फोटो क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो भाई कितनी अच्छी अच्छी फोटो खींची है मैंने। इसमें भी एक फ्यूचर स्कोप हो सकता है हमारा। तो चलो भाई, सबकी फोटो भी अभी खींच ली है। आज मैं बना था कैमरामैन यहाँ पे। तो चलो भाई, अभी सबका फोटो शूट हो गया है। हरदीप का जो पर्सनल फोटो शूट होना था वो भी हो गया है। बाकी बहुत बहुत बधाई हो। मेहंदी दिखाना एक बार मेहंदी। ये देखो भाई, कुछ ऐसी मेहंदी लगी है हरदीप की, बढ़िया एक नंबर। तो अभी हमने जो भी फोटोज खींची है कैमरे पे वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा। रात के अभी 10:30 हो रहे हैं। मस्त यहाँ पर चाय पीते पीते अभी निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि कल सुबह सुबह फिर से आना है इसी वाली जगह पे। अपना घर दिखने लग गया है इतनी रात को। चलिए जी, घर में पहुंच गया हूँ। अब फटाफट ब्लॉग एडिट करते हैं। बाकी छोटा सा ही प्रोग्राम था, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ करेंगे। बस जो भी हम सामान लेकर गए थे उनका खाना भी वहीं पे बना, फिर जो मेहंदी थोड़ा बहुत लगनी थी वो भी लगाई, और अभी सभी लोग वापस से अपने घर के लिए भी आ गए। बाकी कल हो सकता है हम लोग बराती भी जाएंगे लड़की वाले के यहाँ, तो देखते हैं भाई, वो आपको कल वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, बाय।